चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या ये जो रिजल्ट पब्लिश हुआ है इसमें कोई गड़बड़ी है। दूसरे पॉइंट में हम चर्चा करेंगे कि इस रिजल्ट के पब्लिश होने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट रीनीट पर ऑर्डर दे सकता है, और तीसरे पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि रीनीट की पॉसिबिलिटी किस मैटर पर डिपेंड करती है। तो मेनली हम इन तीन पॉइंट्स पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या इस रिजल्ट में कोई गड़बड़ी है। तो जो कल रिजल्ट पब्लिश किया है एनटीए ने, इसमें चाहे गड़बड़ी हो ही, लेकिन हमें नजर नहीं आएगी और न ही नजर आई है, क्योंकि हर एक सेंटर पर ये डाटा अप डाउन हो रहा है, और ऐसा डाटा कहीं किसी भी सेंटर पे नजर नहीं आया है कि जैसे एकदम से हाइक हो गई हो, मार्च हाइक हो गए हो, ऐसा कहीं भी किसी सेंटर पे नजर नहीं आ रहा है। जो एवरेज देखा जाए तो हालांकि जो हाई रैंक के स्टेट हैं उनमें तो ज्यादा अंतर आ रहा है, लेकिन जो लो मेरिट वाले स्टेट हैं उनमें इतना ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है। और एवरेज अगर हम देखें तो ये 2.5 से 3%, यानी 2.5 से 3 गुना का अंतर आ रहा है इसमें, जो इस बार बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ देखते हैं हम, जैसे कि सेंटर वाइज अगर हम देखें तो जैसे 650 के अबोव स्टूडेंट 357 में 26 किसी सेंटर पे हैं, 425 में दूसरे सेंटर पे 36 कैंडिडेट हैं 650 के अबोव, तीसरे सेंटर पे 939 में 27 स्टूडेंट ही हैं और 670 में 11 स्टूडेंट हैं। तो ये एक हर एक स्टेट के डाटा से हम ऐसा आइडिया नहीं लगा सकते कि इस सेंटर पर चीटिंग हुई है। जैसे कि इस सेंटर का हम देख लेते हैं, जैसे कि इसमें है 425 स्टूडेंट में सबसे ज्यादा 36 स्टूडेंट आ रहे हैं एक सेंटर पर 650 के अबव, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इस सेंटर पर चीटिंग हुई है, ये नहीं हम कह सकते, क्योंकि हमारे पास में एविडेंस नहीं है कि इस सेंटर पर चीटिंग हुई है, भले ही इस सेंटर का डाटा ज्यादा बता रहा हो। हाँ, अगर हम आइडिया लगा सकते थे, ये हमारे पास सॉलिड प्रूफ हो सकता था कि अगर किसी सेंटर में मान लो 425 या 357 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है और उनमें 700 से अबोव वाले कैंडिडेट 100 हो सकते हैं या 50 हो सकते हैं या 30 हो सकते हैं, तब हम यहाँ एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस सेंटर पर चीटिंग हुई है, और हमारे पास ये प्रूफ भी हो जाएगा कि इस सेंटर पर चीटिंग हुई है। लेकिन इस रिजल्ट से यहाँ हमें कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है कि किसी सेंटर पर कोई गड़बड़ी हुई है, चाहे गड़बड़ी हुई हो, लेकिन हमें कोई इसका एविडेंस नहीं मिल रहा है, और न ये डाटा एकदम से किसी सेंटर का पर्टिकुलर मार्क्स पर हाई हो रहा है जिससे ये अनुमान लगाया जा सके, जिससे ये दावा किया जा सकते इस सेंटर पर चीटिंग हुई है। तो मेरा मानना यह है कि इस रिजल्ट को देखते हुए ये कहीं भी हम दावा नहीं कर सकते कि इसमें कहीं गड़बड़ी हुई है और इस सेंटर की एकदम से इस सेंटर के मार्क्स एकदम से हाई हुए हैं, ऐसा हम कहीं भी दावा नहीं कर सकते किसी सेंटर पर, क्योंकि सेंटर के मार्क्स अप डाउन होते हैं, हाई रैंक्स वाले स्टूडेंट हैं वहां पर हाई मार्क्स देखने को मिले हैं हमें, जो लो स्कोरिंग स्टेट्स हैं उनमें लो मार्क्स, लेकिन अगर एवरेज देखा जाए तो पिछले साल से ये 2.5 से 3 गुना एवरेज आ रहा है अब की बार, हर एक सेंटर की यही कंडीशन है। तो हमारा एक पॉइंट तो यह है कि इस रिजल्ट से हमें गड़बड़ी का कहीं भी अनुमान नहीं लग सकता है। दूसरा पॉइंट देखें हम कि क्या इस रिजल्ट के पब्लिश होने के बाद रीनीट के चांसेस हैं। तो इस बात को आप भी जान गए होंगे कि इस रिजल्ट के बाद में ऐसी कोई संभावना नहीं लग रही, इस रिजल्ट के बाद में, कि ये रिजल्ट हमारे को कोई ऐसा प्रूफ दे कि ये पेपर है वो मास लेवल पर लीक हुआ है, ऐसा प्रूफ इस रिजल्ट से कोई भी नहीं मिल रहा है। इस रिजल्ट से ऐसा कोई प्रूफ हमें नहीं मिला है अभी तक कि ये पेपर मास लेवल पर लीक हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट में इस रिजल्ट के अगर हम तथ्य रखते हैं तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि इस सेंटर में 650 से अबव वाले स्टूडेंट ज्यादा हैं, तो हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि इसमें चीटिंग हुई है, चीटिंग का कोई प्रमाण नहीं है यहाँ पर। तो सुप्रीम कोर्ट में भी अगर हम इस मैटर को रखते हैं कि इस सेंटर से ज्यादा बच्चे निकले हैं 650 वाले 700 वाले, लेकिन चीटिंग का कोई प्रमाण नहीं है वहां, मेरा कहने का मतलब है कि ये रिजल्ट पब्लिश से सुप्रीम कोर्ट में ये कहा नहीं जा सकता, ये दावा नहीं किया जा सकता कि इस सेंटर पर इतने बच्चे आ रहे हैं जब तक कोई एविडेंस ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट में इस रिजल्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये रिजल्ट पब्लिश होने के बाद में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि रीनीट पॉसिबिलिटी
किस मैटर पर डिपेंड करती है? तो री नीट पॉसिबिलिटी ईओयू की, जो बिहार की ईओडब्ल्यू यूनिट है, उसके ऊपर डिपेंड कर सकती है। अगर ईओयू ये बता दे कि 3 दिन पहले ही ये पेपर लीक हो गया था और काफी सारा मास लेवल पर हुआ है, काफी सारे स्टूडेंट्स के पास में मिला है, तो ये री नीट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये डिपेंड करेगा ईओयू की रिपोर्ट पे। मैंने पहले भी बताया था कि ये जो केस है वो न तो एनटीए के पक्ष में, मतलब उनका ज्यादा सुना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और न ही पिटिशनर की तरफ से। तो ये जो केस है वो डिपेंड कर रहा है ये सीबीआई की रिपोर्ट पर या ईओयू की रिपोर्ट पर। सीबीआई की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को मिल चुकी है, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि अभी तक की जो सोर्सेज द्वारा पता लगा है, सीबीआई की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये मास लेवल पर अभी तक नजर नहीं आ रहा है पेपर, फिर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुआ है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तभी हम इसके बारे में आइडिया लगा सकते हैं कि ये मास लेवल पर है या लोकल लेवल पर है। लेकिन सीबीआई ने भी अभी तक यही कहा है कि ये मास लेवल पर नहीं है। अब बात करें कि कल के सुप्रीम कोर्ट में क्या रीनीट की पॉसिबिलिटी कितनी है। तो देखो, मेरे अकॉर्डिंग, मैं इसको एक परसेंटेज में बांटता हूँ, 10% रीनीट की पॉसिबिलिटी है, लेकिन 90% रीनीट की पॉसिबिलिटी नहीं लग रही। इन सारे तथ्यों को, एविडेंस को, सबको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कल सुप्रीम कोर्ट में ऐसा रीनीट के फेवर में कोई फैसला आने की उम्मीद नहीं है। हालांकि 10% हो सकता है, जब ईओयू ये कह दे कि ये 3 तारीख को ही लीक हो गया था और ये मास लेवल पर लीक हो सकता है, तब जाकर के रीनीट की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो वो 10% ही है मेरे अकॉर्डिंग। तो जैसा भी कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा हम आपको कन्वे कर देंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहें, सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी हर एक मैटर में, चाहे वो काउंसलिंग का मैटर हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो, पीजी के रिगार्डिंग भी हमारे चैनल पर आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो ये जानकारी थी रिजल्ट पब्लिश के बारे में। बाकी जानकारियों के साथ में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।